तो यहां तक हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को रिलीज करा जाता है बाय रिएक्टिंग फूड एंड ऑक्सीजन बट क्या हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हम एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं क्या बिना ऑक्सीजन की ये एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती सो द आंसर इज बिल्कुल हो सकती है कुछ ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी रिलीज करते हैं सो द अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज दो तरह के रेस्पिरेशन हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके फूड से एनर्जी रिलीज करवाई जाती है एरोबिक जिसका एक नाम होता है दैट इज रेस्पिरेशन लेकिन इससे बिल्कुल डिफरेंट एक और तरह का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की या तो कमी होती है और वी कैन से सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फूड को या ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती इस टाइप से अगर फूड से एनर्जी रिलीज होती है तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो वी कैन से रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनरोबिक रेस्पिरेशन और सबसे पहले रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज करवाई जाए इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है सबसे पहले अगर हम एक सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है एक लिक्विड लिक्विड मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट हो जाता है लाइक like, जब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू वो पाइरोविक एसिड और वी कैन से पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है अब ये ग्लाइकोलिसिस और पायरोवेट क्या है अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें तो उसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स लाइक दिस बट अगर इस ग्लूकोस के मॉलिक्यूल को पाइरुवेट और वी कैन से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये किसी भी एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में होता है पाइरुविक एसिड एक थ्री कार्बन कंपाउंड होता है विच मींस इसके अंदर तीन कार्बन होते हैं और इसे पाइरुवेट भी कहा जाता है इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच सो सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो वहाँ वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विच मीन्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमारे पास छः कार्बन थे तो यहाँ पे भी कार्बन होने चाहिए इसका मतलब पायरूवेट के हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे तीन कार्बन का एक पायरुवेट तीन कार्बन का एक पाइरूवेट इसके बाद एनर्जी रिलीज करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल होता है पाइरूवेट वहां पहुंचता है वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वीकेंड से ऑक्सीजन के साथ उस पाइरूवेट में से एनर्जी रिलीज करी जाती है और उसे एटीपी के फॉर्म में और वीकेंड से एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में सिक्स सीओ टू के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस सिक्स एच टू के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस थर्टी एट ए टी पी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं विच मींस यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एक एरोबिक रेस्पिरेशन में सो हम कह सकते हैं सबसे पहले ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन होता है इस प्रोसेस को यानी कि इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिस और ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है इसके बाद यह पायरुवेट आगे मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहां से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी जहां पे सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिक्स एच टू ओ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस थर्टी एट ए टी पी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं सो वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है बट हमने देखा सभी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज नहीं करते कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी रिलीज करते हैं और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेशन तो हो बट उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दो तरह का होता है फर्स्ट वन इज जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो एंड सेकेंड वन इज दैट जिसमें ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में ना हो मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो फर्स्ट अगर हम एनरोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो इसमें भी ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचता है साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोलिसिस का ग्लाइकोलिसिस से वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में अब यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के जो एनर्जी रिलीज करता है वो ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट ईस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी रिलीज करता है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं सो so, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा सो so, जब कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा या कहीं बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज करेगा तो यहाँ पर भी तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं फर्स्ट होता है इथेनॉल और इथेनॉल के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं दैट इज टू सी टू एच फाइव ओ एच इसके बाद दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के दैट इज टू सीओ टू एंड लास्ट दो एटीपी फॉर्म होते हैं और वी कैन से दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी है बट एरोबिक रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है लाइक like, पायरोट का एनर्जी में कन्वर्ट होना एरोबिक में हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में और यहां पर हो रहा है ईस्ट में एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और वी कैन से ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है बट अगर हम ह्यूमंस खुद को एक और जगह कंसिडर करें हमारे सेल्स के अंदर हर जगह हर वक्त सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती लाइक like हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है तो हमें एनर्जी रिलीज करनी होती है और एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं और वी कैन से मसल टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी एनर्जी रिलीज करवा देते हैं सो so, अब एनोरुबिक रेस्पिरेशन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ एनर्जी रिलीज होगी लाइक यहाँ पर भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा एक सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसके साथ ग्लाइकोलिसिस होगा जिससे वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद वो पहुंचेगा मसल टिश्यू में जहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती सो so एनर्जी तो रिलीज होगी प्लस एक और प्रोडक्ट रिलीज होगा दैट इज लैक्टिक एसिड और यहाँ पर भी दो ए के मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट बनेंगे जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 38 एट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है और ये लैक्टिक एसिड जो हमारी मसल्स में फॉर्म होता है इसी की वजह से हमें कभी कभी एक्सेसिव वर्कआउट करने की वजह से पेन होता है वो पेन का रीजन यही लैक्टिक एसिड होता है और इस लैक्टिक एसिड का हमारे मसल्स में जमा होना मसल क्रैम्प्स भी कहलाता है और इन क्रैम्प्स को बहुत ही इजीली रिमूव भी किया जा सकता है बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ और मसाज जिससे वहां पर ब्लड फ्लो और अच्छे से हो जाता है और इसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है और जब ऑक्सीजन वहां पर पहुंच जाती है तो वो लैक्टिक एसिड जो वहां पर जमा हुआ है उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देती है सो so ये थे दो तरह के रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक और हर एक ऑर्गेनिज्म इन दो टाइप्स के रेस्पिरेशन में से किसी एक तरह का रेस्पिरेशन ही यूज करता है और हर एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन के लिए इन्हीं प्रोसेसेस का यूज करता है